हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट 16 सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 16, द लिटिल बुली। बुली का मतलब होता है बच्चों, ये एक छोटे लड़के की कहानी है जो सब पर धौंस जमाता था, सबको धमकाता था, डराता था, चुटकियां लेता था। ये उस लड़के की कहानी है। आप ये इस लेसन की रीडिंग करिएगा, बहुत अच्छा और मज़ेदार लेसन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द राइट आंसर। स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर ढूंढना है। व्हाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी? सारे बच्चे हरी से नफरत क्यों करते थे? बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनी वन, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच देम, बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड। वो किसी से बात नहीं करता था, वो सबके चुटकी लेता था या वो सबका खाना चुराता था। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम, वो हमेशा सबके नोचता था, चुटकी लेता था, पिंच उबाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, नोबडी टुक हरीज हैंड, नोबडी वेंट नियर हिम, नोबडी प्लेड विद हिम, दिस शोज दैट हरी हैड। जब ये बच्चे पिकनिक पर गए तो किसी ने भी उसके साथ, कोई उसके साथ खेला नहीं, इस सब की वजह क्या थी? हरी हैड मैनी फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स, नो फ्रेंड्स, यानी उसके कई दोस्त थे, उसके कुछ दोस्त थे या उसका कोई दोस्त नहीं था। इसका सही आंसर है सी, नो फ्रेंड्स। हरी हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, हरी वॉज पिंच टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। यानी हरी को जब तक पिंच किया गया या उसको जब तक नोचा गया, जब तक के वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो गया। इस लाइन से आप क्या मतलब समझते हो? देयर वर ब्रूजेज ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर कुछ खरोचे आ गई थी। हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स, उसने अपने आप को पेंट कर लिया था कई कलर्स में। या हरी हैड अ ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, हरी की ब्लैक एंड ब्लू शर्ट थी। इसका ए ऑप्शन ठीक है, देयर वर ब्रूजेज ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर कई खरोचे आ गई थी जब तक उसके पिंच किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्शंस इंटू फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली। बच्चों यहाँ पर कुछ एक्शंस दिए गए हैं, आपको ये बताना है इनमें कि कौन से एक्शंस फ्रेंडली हैं और कौन से अनफ्रेंडली हैं। तो मैंने यहाँ आपकी आसानी के लिए यहाँ लिस्ट बना दी है, इनमें से चूज करके जो फ्रेंडली एक्शंस हैं वो यहाँ लिख दिए हैं और जो अनफ्रेंडली एक्शंस हैं वो यहाँ लिख दिए हैं। तो मैं यहाँ फ्रेंडली एक्शंस पढ़ती हूँ, रेस्पेक्टिंग अदर पीपल। नंबर 2, बींग हेल्पफुल टू एवरीवन, हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल, प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन। यानी दूसरे लोगों की इज्जत करना, रेस्पेक्ट देना, दूसरों की हेल्प करना, क्लासमेट्स की हेल्प करना और किसी भी वीक इंसान को प्रोटेक्ट करना, ध्यान रखना उसका। अब अनफ्रेंडली एक्शंस कौन से हैं? कॉलिंग पीपल बैडली, शाउटिंग एट फ्रेंड्स, ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड टिफिन, पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई। यानी लोगों को बुरे नामों से पुकारना, शाउटिंग एट फ्रेंड्स, लोगों दोस्तों पर चिल्लाना, छोटे बच्चे का टिफिन सारा खा जाना और किसी छोटे बच्चे को धक्का देना और उसको रुला देना, ठीक है, ये अनफ्रेंडली एक्शंस है। अगर ऐसे काम करोगे ना अनफ्रेंडली एक्शंस, तो कोई भी आपका फ्रेंड नहीं बनेगा। और फ्रेंडली एक्शंस करोगे तो आपके बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सफिक्स इज अ पार्ट ऑफ द वर्ड एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। सफिक्स बच्चों एक वर्ड का पार्ट होता है जो उसके एंड में ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है? द सफिक्स ly मीन्स इन अ सर्टन वे, फ्रेंडली मीन्स इन अ फ्रेंड काइंड ऑफ वे। जब फ्रेंड वर्ड हुए दोस्त और फ्रेंड में जब एल वाई मिल गया तो इन अ फ्रेंड काइंड ऑफ वे, ठीक है, ये मीनिंग हो गई इसकी। एड एल वाई टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस स्ट्रॉन्ग। इन्होंने एक सेंटेंस बनाया है, स्ट्रॉन्ग वर्ड में एल वाई ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्गली। इसमें सफिक्स क्या ऐड हुआ बच्चों? एल वाई, ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्गली। इसका एक सेंटेंस इन्होंने एग्जाम्पल के लिए बना दिया है, आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू स्टॉप बुलिंग। अब सेकेंड वर्ड है हार्ड, इसमें एल वाई सफिक्स लगा दिया हमने, ये बन गया हार्डली।
आई कैन हार्डली वेट फॉर यू, मैं शायद ही तुम्हारा इंतज़ार कर सकूँ. बैड बैडली, ही वॉज इंजर्ड बैडली इन द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया. ब्राइट ब्राइटली, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टूडे, आज सूर्य बहुत चमक रहा है. सॉफ्ट सॉफ्टली, शी स्पीक्स सॉफ्टली, वो बहुत नरमी से बोलती है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आया? अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और एन डू नॉट पॉइंट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, वेयर इज द इज यूज व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. बच्चों यहाँ पर हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं. तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए एन द, ठीक है. तो ए और एन जो है वो जहाँ किसी पर्टिकुलर थिंग की बात ना हो रही हो, किसी निश्चित नाउन की बात ना हो रही हो, वहाँ तो हम ए या एन लिखते हैं. और द वहाँ लिखते हैं जहाँ पर किसी पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही हो. और आपको पता है, पहले ही पढ़ चुके होगे आप, एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद वॉवल्स. वॉवल्स से शुरू होने वाले वर्ड्स से पहले अगर हमें एक लिखना है तो हम एन लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे. वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू. एक बार हम इस पिक्चर के थ्रू भी देख लेते हैं बच्चों, आर्टिकल्स ए एन द, इनके यूजेस. तो इनडेफिनेट नाउन जहाँ यूज होता है यानी अनिश्चित, तो वहाँ पर ए या एन लगाते हैं. एंड यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो सिंगुलर नाउन हो और काउंटेबल भी हो, वहाँ पर ए या एन लगाते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखिए, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल यूज हुआ ए. और अगर हम लिखते आई ईट एन एप्पल, ठीक है, मैं एक एप्पल खाती हूँ. अब डेफिनेट अगर कहीं नाउन हो तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम द. द इज़ यूज बिफोर डेफिनेट नाउन्स. जैसे एग्जाम्पल देखिए, द बॉय हैव कम, ओके, किसी पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात हो रही है तो द बॉय आएगी. ये दोनों आर्टिकल्स के बारे में आप समझ गए, तीनों आर्टिकल्स के बारे में. चलिए अब हम इसमें कंप्लीट करते हैं स्टोरी को. कंप्लीट द स्टोरी विद ए एन एंड द. मैं स्टोरी पढ़ती जाऊंगी बच्चों, आप जहाँ जहाँ ब्लैंक्स हैं वहाँ पर अपने आप ध्यान से आर्टिकल्स फिल करते रहिएगा. ओके, मैंने कंप्लीट कर दिया है आपके लिए. बी वॉज ड्रिंकिंग वाटर ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, इट फेल इन टू द रिवर. अ डव दैट वॉज वॉचिंग ऑल दिस प्लग्ड अ लीफ एंड थ्रू इट नियर द बी. द बी क्लाइम्ड ऑन द लीफ एंड फ्लू आउट. It thanked the dove for saving its life. After some days, a hunter came there. He saw the dove sitting there on the branch of an apple tree and aimed his gun at it. The bee saw that the dove was in danger. It flew at once and stung the hunter's hand. The hunter missed the aim as his hand felt acute pain. In the meantime, the dove flew away and its life was saved. Okay, students, ये question complete हो गया. अब हम question number 5 देखते हैं. Think and write. Question number 5 का first part है, Have you ever tried to bully someone? If yes, how? तो इसका answer मैंने लिखा है बच्चों, No, I have never tried to bully anyone. यानी मैंने कभी किसी को धमकाने की या किसी पर धौंस जमाने की कोशिश नहीं की है. डिड समवन ट्राई टू बुली यू, इफ़ यस हाउ डिड यू सेव योरसेल्फ, कि किसी ने आपको बुली किया है, अगर हाँ तो आपने अपने आप को कैसे बचाया. यस वन डे माई क्लासमेट ट्राई टू बुली मी बट आई सैड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू. हाँ एक दिन मेरी क्लासमेट ने मुझे बुली करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ. और इस तरह उसने मुझे उसके बाद कभी बुली करने की कोशिश ही नहीं की. वॉट आर द थिंग्स यू कैन डू से नेक्स्ट टाइम इफ़ सम वन ट्राइज टू बुली यू, अगर अगली बार कोई आपको बुली करता है, परेशान करता है, तो आप क्या कह सकते हो. मैंने यहाँ दो बातें लिखी हैं. एक तो हम ये कह सकते हैं, स्टॉप यू कैन नॉट स्केयर मी एनी मोर. सॉरी बच्चों, यहाँ पर एनी मोर आएगा, एनी वन नहीं आएगा. नेक्स्ट
आई विल टेल माई टीचर. ओके नाउ लेट्स डू नेक्स्ट पेज. देखिए स्टूडेंट्स, जो पिछले पेज पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको कोई बुली करता है तो आप कैसे उसको रेस्पॉन्ड कर सकते हो, यहाँ पर कुछ और आंसर्स दिए गए हैं. स्टॉप, यू कैन नॉट स्केयर मी एनी मोर, या आई विल टेल माई पेरेंट्स, आप ऐसे भी कह सकते हो. आई विल नेवर प्ले विद यू, या आई विल टेल माई टीचर. आई विल वॉक अवे एंड विल नॉट फाइट. आई विल नो, आई विल नॉट शेयर एनीथिंग विद यू. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम बुलीज को आंसर कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स एंड उनकी मीनिंग. ओके, पहला वर्ड है BRUISE, ब्रूज. इसकी मीनिंग इंग्लिश में है इंजरी बाय अ ब्लो टू बॉडी, यानी चोट लगना. हॉरिड का मतलब होता है टेरिबल या भयानक. HOARSE, होर्स. इसकी मीनिंग है रफ एंड डीप साउंडिंग या कर्कश आवाज. पिंसर, ग्रिपिंग टूल. ये होता है बच्चों एक औजार होता है जिसे कील निकाली जाती है. ओके, स्टॉक या इसका मतलब होता है मेन स्टेम या डंठल. निब्ड, पिंच्ड, इसकी हिंदी में मीनिंग है चुभाना या चुटकी लेना. ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी. अब आप भी अपनी वर्कशीट अपने अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करिए. और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल माई टीचर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू.